हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 75 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में अराउंड 1% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 11%, 3 महीने में 3%, 6 महीने में 21% और 1 साल के अंदर 37% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। स्टॉक में नीचे के एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 58 रुपीज के इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है अराउंड 75 रुपीज से इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक ने टच करने के बाद स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 63 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 88 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।